असलकुम वेलकम टू मामाशीज ब्लॉग कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे चलिए आपको मेरी तरफ से वीसवा रोज़ा मुबारक आप सबको यहाँ पर देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कुछ ईद की शॉपिंग के जो कपड़े हम लोग लिए मैं बोली थी ना लास्ट ब्लॉग में मेरी बहन देख के आई थी बोल के वही तो मैं ये शेयर करने वाली थी ये देखिए यहाँ पर तीन जोड़े हैं अभी दो तीन जोड़े हैं मैं दिखाऊंगी वो भी ये सिर्फ दो उन तीनों के हैं अभी दो जोड़े मेरे और छोटी बहन के भी हैं वो भी शेयर करूँगी ये देखिए हमारा नानी का है ये ड्रेस देखिए कितना मस्त है नानी का और आपका भी हो गए होंगे शायद मुझे मालूम है प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए कौन सा ड्रेस अच्छा लगा ये तीन ड्रेसों में अब मैं आपके साथ दिखा रही हूँ देखिए ये है हवन हाँ नानी का है देखिए कितना मसा है ना ये ये लॉन्ग फ्रॉक जैसा नाइटी टाइप पहन जाएगा तो सिर्फ नाइटी पहनती जा क्या बोलते सलवार सूट तो बहुत सारे हैं मगर यूज़ नहीं है कुछ भी नहीं पहनती तो इसलिए तो ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप ला दिया तो पहन लेती आराम से बोल ले के लेके आए देखेंगे इनशाला पहनती या नहीं पहनती नहीं मालूम फूल मोस्टली वो हमेशा नहीं पहनते ऐसे ड्रेसस देखेंगे सिर्फ और सिर्फ नाइटी डाल की रहती अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मेरी बड़ी बहन का एक सूट है ये सेट है तो वही देख रही थी मैं क्या है और ये भी देखिए अच्छा सा ग्रीन वाला ड्रेस है तो मुझे भी अच्छा लगा था एक्चुअली तो, उतना सामने से देखो तो अच्छा नहीं दिख रहा बट जब मैं वीडियो एडिटिंग करी थी ना लाइटिंग में बहुत अच्छा दिखा था सामने से अब देखिए तो उतना ही खास नहीं दिखा था और कमेंट करके बताइए ये कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा था मतलब मेटेल ये तो इसका पूरा फुल सेट है वो तो लेके चली गई थी नीचे की पैंट और वेल तो ये सिर्फ ऑल्ट्रेशन के लिए जो आते लगाने के लिए तो स्लीव्स लगाने के लिए अम्मी को देखेगा देखिए मैं यहाँ पर फिर पूरा सा ऊपर से नीचे सा लुक दे रही हूँ देखिए अच्छे से दिख रहा है आपको ड्रेस का मटेरियल कलर मैं नीचे बैठ के थी अम्मी ऊपर से निकाल रहे थे तो इसलिए ऐसा दिख रहा हो तो मैं ये चेक कर रही थी लाइनिंग भी अच्छा है सब तो कुछ अच्छा है यहाँ पर देखिए नानी का ड्रेस नानी का भी ड्रेस देखिए बहुत अच्छा सा दिख रहा कलर वगैरह सब कुछ ये जो नीचे जो लट लटकने वाले हैं ना तो लटकन वो तो निकाल देंगे नानी को नहीं रखते बाकी का सिंपल है पहन नहीं सकते एक दो तीन पर कहीं घर में क्या है अच्छा सा है या मोटा भी है कपड़ा यहाँ पर देखिए अम्मी का है सिंपल सा सोबर सा है उनको उनके लिए अच्छे लाए थे बट उनकी जो साइज़ का है ना नहीं मिल रहा था तो ये यही मिल गया तो वही लेके आ गई थी मेरी बहन और कमेंट करके बताइए तीन में कोसा अच्छा लगा प्लीज़ अब यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी इफ्तारी के लिए समोसा चिकन समोसा यहाँ पर देखिए कढ़ाई में पानी डाल दी थी पानी में थोड़ा सा नमक और ऑफ के लो उतना चिकन चिकन समोसा बना रही थी तो चिकन उबालने के लिए रख दी थी और उसमें मैं डालती थी एक टेबल स्पून उतना गरम मसाला और थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करते रहिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए प्लीज़ आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे अब उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया का पाउडर एक ऑफ टेबल स्पून धनिया का पाउडर और एक चम्मच उतना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको उबाल लीजिए कुछ ज़्यादा नमक तो आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए साबुत गरम मसाले कुछ भी नहीं मैं तो गरम मसाला डाल दी थी डायरेक्ट तो इसमें कुछ छनने की ज़रूरत नहीं देखिए अलहमदिल्ला पूरा फाइव टू सिक्स मिनट्स तक मैं उबाली थी चिकन को चिकन तो अच्छे से उबल गया था बॉयल भी हो गया था अब देखिए बॉयल चिकन में अच्छे से श्रेड करके रख ली देखिए श्रेड करी और चिकन यहाँ पर दिखा रही थी मैं अभी श्रेड करना है थोड़ा सा श्रेड करने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से श्रेड हो गया पूरा साफ किलो इतना मैं चिकन में बना के रखी थी ज़्यादा नहीं तो समोसे के लिए दो घरों के लिए समोसे के लिए काफ़ी हाफ किलो चिकन यहाँ पर देखिए मैं फिर समोसे फिलिंग्स के लिए जो मसाला बनाते ना तो इसमें उसके वास्ते मैं प्याज काट के रख ले रही थी तो तल लेंगे अच्छा तो यहाँ पर देखिए तीन प्याज मैं ले ली थी बारीक से कट कर लेती हूँ तीन प्याज को पहले सबसे पहले छिटला काटना है और प्याज को धोना है उससे पहले सबसे बड़ा टास्क रहता थी चोरछिटलों को डस्टबिन में डालना उठाकर नीट से ले मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में और यहाँ देखिए तीन प्याज मैं ले ली थी एक एक बार एक एक शेप्स में मैं और अच्छे से मतलब पहले धो लेती हूँ साबुन मतलब साबुन नहीं साबुन कोई लगाता क्या प्याज को प्लीज़ कमेंट करके बताएँ साबुन में अच्छे से प्याज को धो ली थी और चाकू को भी अच्छे से धोई कई कई बार तो फिर वो चो छिटले लगे हुए थे फिर प्याज को जो फिर प्याज काटते हैं तो प्याज को फिर लग जाते हैं। देखिए एक एक बार एक एक स्टाइल से मैं काट रही थी एक बार चौक चौक पीसेस काट रही थी एक पूरे चौकी बट ये डिफरेंट स्टाइल से काट रही थी मैं ये देखिए पूरा सा क्या बोलते प्याज को पहले से काट लगा ली थी फिर बाद में पूरे प्याज को काट रही थी तो बारीक बारीक काट रही थी मैं सबसे बड़ा टास्क मुझे मुश्किल लगता प्याज काटना क्यों वो तो मेरे आँखों में इतने आंसू चले जाते हैं कि एक आंसू बह जाते हैं कि पूरा गाँव डूब जाता मेरे आँसू से आँख के उतना पानी आ जाता मुझे चलो उसके बाद हो गया ऐसे तैसे करके मैं पूरे मुश्किल पड़ के अब आँख पोछ लेके आँख लाल कर लेके मैं इस प्याज तो काट ली थी उसके बाद कढ़ाई में तेल रख दी तेल रखने के बाद थोड़ा सा एक कप उतना प्याज जो मैं काट के रही थी वो डाल दी फिर उसके बाद एक कप उतना बीन्स बीन्स पहले डाल लो तो बीन्स थोड़ा सा पकना है तो पकने के बाद थोड़ा पकने के बाद बीन्स और प्याज अच्छा से पकने के बाद फिर मैं डाली थी हरी मिर्ची हरी मिर्ची भी अच्छे से पकने के बाद मैं डाल रही हूँ इधर मटर मटर सबको मालूम है बी तो मटर भी अलहमदिल्ला अच्छे से मटर और कॉर्न तो अच्छे से पहले से फ्रोज़न है तो उसको ज़्यादा पकाने की नहीं रहती तो कुछ पाँच छः मिनट सेकेंड पकाए तो चल जाता उसको यहाँ पर देखिए दोनों डालने के एक कप मटर एक कप क्या बोलते उसको कॉन डाली थी फिर उसके बाद मैं डाल दी थी थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के हिसाब प्लीज़ नमक देख के डालिए नमक में चिकन में उबालते इस टाइम पर डाली थी और समोसे मैं जो बना रही हूँ समोसे के पट्टी में भी ऑलरेडी नमक रहता तो इसके बाद फिर एक हाफ टी स्पून उतना अदरक लहसुन का पेस्ट और एक टेबल स्पून भर के मैं क्या काली मिर्ची का पाउडर डाली काला पाउडर नहीं काली मिर्ची का पाउडर तो यहाँ पर देखिए रेडी हो गया हमारा जो फिलिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गया जो वेजिटेरियन है आप लोग यहाँ पर यहाँ तक देखकर खा सकते हैं अब नॉन वेजिटेरियन ले तो मैं बना रही थी चिकन समोसा देखिए यहाँ पर मैं डाली हूँ जो पहले से स्ट्रेड किया हुआ चिकन जो आपको मैं पहले दिखाई थी कैसे स्ट्रेड करना क्या है सब कुछ मतलब जो मैं क्या डाल के उबाली थी ये है ऑफ़ के लिए उतना स्ट्रेड चिकन किचन नहीं चिकन हाँ मुझे पहले से कंफ्यूजन है किचन चिकन चिकन किचन बोल के अब अलहमदिल्ला अब थोड़े दिन के बाद कंफ्यूजन दूर रह गया यहाँ पर देखिए पूरा सच जो देखिए अभी भी मुझे किचन बोल की हारा चिकन देखिए इसको भी अच्छे से ही मिक्स कर लो जब तक वो अच्छे से पूरे मसाले सब कुछ मिक्स नहीं हो जाते अब यहाँ पर डालना है एक इंग्रेडिएंट जो इंग्रेडिएंट हमेशा आपको मैं बोलती हूँ नहीं यहाँ पर मैं बोलती हूँ नहीं यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं चिकन तंदूरी मसाला मैं डालती हूँ एक वन एंड हाफ़ टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला ये चिकन समोसा फिलिंग है तो इसमें ये डाल सकते हैं आप नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं ऑलरेडी मैं इसमें काली मिर्ची डाली हूँ तो इतना ज़रूरी नहीं है बट थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा टच के लिए मैं यहाँ चिकन तंदूरी मसाला डाली हूँ देखिए यहाँ पर कुछ सोसास वग़ैरह कुछ भी नहीं और तेल बहुत सारा बहुत कम बहुत कम डाली बहुत सारा तेल नहीं दिएगा ज़्यादा तेल डाल दिए तो चिकन फिलिंग में तो डूब जाता तेल में और समोसों में डाल दिए तो समोसा पूरे भीग के हमारे निकल जाते पूरे मतलब डूब जब पिच पिच हो जाते जिब जिब्ब हो जाते स्टिकी स्टिकी हो जाते ना तो यहाँ पर देखिए फिर मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर दिखा रही थी यहाँ पर मैदे का घोल जो स्लरी बोलते मैदे का घोल बना के रख ली थी जो क्या बोलते समोसे पट्टियों को लगाने के लिए ये देखिए स्वीट्स का कंपनी का समोसें का पट्टी बहुत सालों से चल रहा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखने लगी खुद से पंद्रह बीस साल हो गए उससे पहले कब था इंडिया में नहीं मालूम बट रेयर मिलता था इंडिया में भी हैदराबाद में भी बाद में अलहमदिल्ला पूरे जगहों में पूरे पूरे स्टोर में लोकल स्टोर में सब कुछ मिलने लग गया यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी ये समोसे अम्मी बना रही थे समोसे के पत्ती मेरे हाथ से नहीं होता कहीं को नहीं होता तो प्लीज़ मैं आपको सबको मालूम मालूम है मेरा एक हाथ से नहीं होता फोल्ड होने के लिए अलहमदिला फोल्ड कर सकती हूँ बट उतना तो तो नीट से नहीं आता और क्या है जमता भी नहीं एक हाथ से करने के लिए हाथ छोटा है ना तो इसलिए यहाँ पर देखिए अम्मी पूरे निकाल रहे थे एक्चुअल क्या है मालूम वो जो ट्रायंगल बनाती है वो ट्रायंगल मुझे जमता नहीं क्या तो मेरी छोटी बहन और बड़ी बे, अम्मी बना लेते मुझे उतना नीट से वो ट्रायंगल जमता भी नहीं और चुप के पत्ते वेस्ट हो जाते अम्मी मुझे देते भी नहीं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड ऐसे ट्रायंगल टाइप फोल्ड करना है और उसमें थोड़ा सा फिलिंग जो क्या बोलते हैं चिकन फिलिंग्स समोसा के लिए मैं पहले से बनाई थी वो उसमें भरना है अगर चाहे तो आप अंदर से भी लॉक कर ले सकते हैं यहाँ पर देखिए अम्मी जैसे लॉक कर रहे हैं वैसे उसके बाद फिर चिकन फिलिंग भरना है इसको ऐसा अंदर की तरफ को फोल्ड करना है फिर अंदर से अच्छे से सील करो फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करो लास्ट में जो बचा हुआ है तो आप उसको ट्रायंगल शेप टाइप फोल्ड करके अच्छे से रखो यहाँ पर देखिए फिर से ट्रायंगल बना रहे अम्मी इधर इधर से फिर से लॉक कर रहे हैं अम्मी अंदर की तरफ यहाँ पर देखिए फिर पूरा सा फिलिंग डाल रहे थे यहाँ पर फिर लॉक कर मतलब लगा रहे थे फिर लॉक किए अंदर की तरफ देखिए मैं आपको जो खून बनाने का फर्स्ट दिखा रही हूँ बाकी का पूरा आसान प्रोसेस है जो फोल्डिंग रहता हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोलते ना हर चीज़ ऐसे ही कुछ सब कुछ तो नहीं आता देखिए यहाँ पर सब पूरे समोसे बन गए थे ऑलमोस्ट थर्टी समोसेज या ट्वेंटी फाइव समोसेज बन गए थे मैं अच्छे से ट्रे में जमा कर स्नैप ले लूँगी एक पिक ले लूँगी बोल के दिख रहे का जमा रही थी यहाँ पर देखिए पूरे समोसे बने कैसे लग रहे ना? जैसे पहाड़ों के जैसा समोसेस लग रहे थे ना? जैसे आइस बर्गस आइस पहाड़ जो टीवी में दिखाते है या कुछ दिखाते ना ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे से दिख रहे थे माशाल्लाह और क्या बोलते हैं इसको जो ठेले वालों के पास रखते रह सजा हुआ रखते ना वैसा लग रहा था चलो अब आप भी बताइए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अब भी ऐसे कुछ बनाते क्या चिकन चिकन फिलिंग समोसा चिकन समोसा यहाँ पर देखिए कैसे लग रहे थे जे, जैसे पहाड़ों में कहीं हम लोग घूम गए चोटी पहाड़ों की चोटी चल यहाँ पर मैं चले फिर टाइम हो गया तो तो इफ्तारी का मैं चले गई थी यहाँ पर तलने के लिए नमाज़ पढ़ के सर की नमाज पढ़ ले के स्टार्ट करी तलना कढ़ाई में तेल ले ली थी अच्छे से इसको उबालिए जितना तेल आपको उबलता गरम गर्म होता तो उतना वो गर्म कीजिए फिर उसके बाद धीमी आँच करके अच्छे से इसको तलिए एक एक, एक करके अच्छे से पूरे जो समोसे के बने हुए थे ना पहले पूरे डालिए देखिए धीमी आँच में तलिए कम आँच में तलिए ज़्यादा मत तलिए फुल तल दिए तो ऊपर का काला हो जाता अंधा का कुछ भी पकता नहीं मैं पहले से अब इसको अलट पलट अलट अलट पलट अलट पलट करके इसको तलना है ऐसे तलना है कि जैसे इसको पूरा इसको गोल्डन ब्राउन हो जा रहा है दो तरफ से भी इसको यहाँ पर देखिए पूरे अलट पलट अलट पलट करके मैं तल रही हूँ थोड़ा सा क्लिपिंग मेरा फास्ट है कहीं को बोले तो बहुत थर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स का हो गया था तो इसलिए मैं पूरा क्लिपिंग को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और मेरा वॉइस भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जा रहा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे से मेरे जो तले गए थे माशाल्लाह कितने अच्छे दिख रहे हैं अभी भी मुझे एडिटिंग कर रहे थे मुंह में पानी आ रहा बट अलहमदिल्ला मैं रोज़ा हूँ यहाँ पर देखिए पूरे समोसे में अलट पलट करके दो साइड से भी इनको अच्छे से पका रही हूँ तल रही हूँ जला रही हूँ भून रही हूँ कुछ ऐसा नहीं तो अच्छा अब अच्छा ये देखिए क्या है हम तेल में डालते ही जो समोसे की फीलिंग्स रहे ना तो निकल गए थे पर, समोसे की फीलिंग्स नहीं जो पट्टी हम लोग लॉक करे थे ना तो निकल गए थे एक्चुअली तेल में डालते ही निकलते कई को बोलते रहे धूप मतलब का मतलब समर का सीज़न है बहुत सारी गर्मी रहती और समोसों के पट्टी सूख भी गए थे और उतना फोल्ड भी नहीं होते टूट भी जाते रहते प्लीज़ आपको देखिए यहाँ पर निकल जा रहे देखिए जो लगाए सील करे वो भी निकल जा रहे फ़ैन की हवे को धूप को मतलब समर को ना तो इसलिए मैं एक आपको टिप देना चाहती हूँ जैसे आप फ्रीज़र से निकालो समोसे की पट्टी एक कच्चे कपड़े में लपट के रख दो मतलब ऊपर से फोल्ड कर प्लास्टिक पेपर में जो रहता ना उसके ऊपर से कच्चा कपड़ा रख दिए तो आराम से वो कुछ भी नहीं होता और नरम भी रहते तो समोसे की पट्टी चलो यहाँ पर देखिए पूरे बैच बैच करके मैं तल रही थी टाइम भी हो जा रहा था इफ्तारी का एक आप देखिए और मुझे भी कमेंट कर मतलब एक टिप फॉलो कीजिए कभी भी आप समोसे बना रहे तो डायरेक्ट आप फैन के नीचे मत बैठिए प्लीज़ एक कपड़े में इसको लप, लपट लप लीजिए कच्चा कपड़े में और उसके बाद आप समोसे के पट्टी बनाना शुरू कीजिए मतलब कच्चा कपड़ा मतलब डायरेक्ट निकाल के कच्चे कपड़े में मत रखिए प्लास्टिक के साथ ही ऊपर से रैप कीजिए कच्चा कपड़ा तो ठंडे में रहता अच्छा रहता नहीं तो फिर से थोड़े थोड़े काट के बना लो वो भी एक टिप है आपके लिए चलिए अलहमदिल्ला मेरे पूरे जो समोसे तल गए थे मुझे भी और टाइम हो रहा था इफ्तारी के लिए बिछाने के लिए चलो आप भी इफ्तारी में आ जाओ इफ्तारी करो मेरे साथ दुआ करो सब मोमिन मुसलमानों के सब के लिए चलो अलहमदिल्ला दस रोज़े अभी बाकी है आप तो नौ रोज़े बाकी है चलो और अगले साल रमज़ान आता हाँ रमज़ान तो आता अगले साल बच रमज़ान में कौन रहते कौन नहीं किसी को भी नहीं मालूम अमरान सब लोग बोलते हैं रमज़ान एक महीना है एक मेहमान है बट मेहमान रमज़ान नहीं है प्लीज़ मेहमान तो हम लोग हैं जो अगले साल तक हम रहते या नहीं रहते किसी को भी नहीं मालूम अगले सेकेंड्स तक किसी को भी नहीं मालूम कि हम रहते चलो यहाँ पर देखिए इफ्तारी के लिए भी दस्तर खान सज गया था तो ये थे आलू सॉरी आलू बोल रही हूँ क्या बोलते ऑरेंज एप्पल और बनाना था ये मेरी बहन कस्टर्ड बना के देखी भेजी थी ये है जो अब मेरी छोटी बहन लेके आई थी ना तो गन्ने का जूस वो और ये है समोसा जो मैं हम, मैं बनाई थी घर से चलो अब भी दुआ कीजिए मेरे दुआओं को कबूल फरमाए आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाए चलो मैं चलती हूँ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नगेबान